सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ओप्पो ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपने एक नया ब्रांड न्यू फोन जो कि ये है दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में ओप्पो का F11 Pro। तो यहाँ पे दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, हमसे बात करने वाला हूँ इसी नए फोन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, कैसा है ये फोन, क्या है कुछ खास नए फीचर्स और प्राइस क्या है इसी नए ओप्पो के F11 Pro की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में बॉक्स ओप्पो के ब्रांड न्यू फोन ओप्पो F11 Pro का। और यहाँ पे दोस्तों सामने देखते ही एक बात तो क्लियर है कि इसमें होने वाला है यहाँ पे दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा, बिकॉज कोई भी आपको सामने कैमरा होल नहीं मिल रहा है फिलहाल। दोस्तों जो वेरिएंट है ये आता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, और इसका कलर है यहाँ पे हमारे पास में थंडर ब्लैक। बाकी दोस्तों पीछे कुछ और हाईलाइट्स को मेंशन किया गया है, जैसे कि 48MP का ड्यूएल रियर कैमरा जो कि दोस्तों है 48MP का सेंसर सैमसंग GM1 और साथ में है 5MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे वूक 3.0 बैटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि चार्ज करेगी 4000mAh की बैटरी को। इसके अलावा यहाँ पे हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके चलते आपके गेम्स वगैरह काफी बेहतर तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों स्क्रीन है 6.5 इंचेस का फुल HD+ IPS पैनल। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे तो कुछ और डिटेल्स मेंशन है, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पे कट की गई, लेकिन उसको बताऊंगा वीडियो में आगे इसकी सही प्राइस क्या है। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी दोस्तों पहले तो करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है हमको इस फोन में ओप्पो की तरफ से। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले जो सेक्शन है ये लेके आएगा अपने साथ में एक सिम इजेक्टर टूल। इसके अलावा दोस्तों यहां पे ये है हमारे पास में केस, और जो केस है वो काफी दोस्तों सॉलिड सा फील होता है यहां पे, और ऐसे में आपको मिलता है ऊपर की तरफ ये सेक्शन जहां पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो बड़े आराम से मूव कर पाएगा फोन के अंदर और बाहर। इसके अलावा दोस्तों यहां पे इसमें तो होने वाला है कुछ बेसिक रीडिंग मटेरियल। बाकी दोस्तों बात करते हैं नीचे, तो यहां पे ये रखा है हमारे पास में फोन जिसका कलर है थंडर ब्लैक। बाकी अगर हम चेक करते हैं एग्जैक्टली इसका कलर दोस्तों कैसा होने वाला है, और यहां पे बात करते हैं अगर बाकी बॉक्स कंटेंट्स की तो हमको मिल जाता है नीचे रखा हुआ ये चार्जर। और यहां पे दोस्तों इसकी जो आउटपुट रेटिंग है वो है 5V 4A, यानी कि दोस्तों ये आता है 20W आउटपुट के साथ में। अभी देखना ये होगा कि ये दोस्तों ऐसे में इस 4000mAh की बैटरी को कितना तेजी से चार्ज कर पाएगा जैसे कि ओप्पो बोलता है इसी वूक 3 चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम में। इसके अलावा दोस्तों यहां पे हमारे पास में है नीचे ये ग्रीन कलर के साथ में आने वाली USB 2, दोस्तों ये है एक माइक्रो यूएसबी केबल। ऑल्दो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे वूक 3.0 में, लेकिन टाइप सी खैर होना चाहिए ही था। अगर दोस्तों फोन से बजट की बात करें तो आपको तो खैर बताऊंगा आगे, लेकिन खैर जो है दोस्तों हमारे पास में माइक्रो यूएसबी केबल। और इसके अलावा नीचे हमारे पास में है ये ईयरफोन्स, और ये आते हैं हमारे इसी प्यारे से रेयर चीज के साथ में जो कि दोस्तों आजकल खैर विलुप्त सी हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं बाकी अभी इस फोन के बारे में, और मैं दोस्तों हटाता हूँ इस रैप को, देखते हैं कि कैसा निकलता है अंदर से इस फोन का फर्स्ट लुक। तो ये दोस्तों आता है कुछ ब्लूइश पर्पल और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में, जहां पर दोस्तों ये सेक्शन जो है वो ब्लू है, ये पर्पल है, बीच से ब्लैक है। तो यहां पर दोस्तों जो फिनिश है वो डेफिनेटली दिखने में मेरे को बहुत बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। और यहां पे बस दोस्तों करता हूं बूट, आई होप कि इसमें बैटरी हो, फिर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहां पे फोन में जी हां बैटरी है दोस्तों, लिखा गया है ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं फोन के राइट साइड की, तो ये दोस्तों आता है अपने इस पावर लॉक अनलॉक बटन के साथ में, जहां पे आपको बीच में हल्का सा ग्रीन एक्सेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे है ऊपर सिम ट्रे, और सिम ट्रे जो है वो एक हाइब्रिड सिम ट्रे है जहां पे आप लगा सकते हैं या तो दो सिम कार्ड्स या फिर एक सिम और एक एसडी कार्ड। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाते हैं कुछ बेसिक सेंसर्स, और यहाँ पे दोस्तों है सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और यहाँ पे दोस्तों ये है आपका कैमरा जो ऊपर और नीचे जो है वो होता रहेगा डिपेंडिंग कि आप फ्रंट कैमरा या फिर फेस अनलॉक को यूज करते हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो ये आता है अपने साथ में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को लेके। और यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है हेडफोन जैक, साथ में है दोस्तों प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और दोस्तों यहाँ पे है साथ में स्पीकर ग्रिल। तो ये है कुछ सेटअप यहां पे नीचे की तरफ। और यहां पे दोस्तों फोन इनफैक्ट ऑन हो ही गया है, और जो डिस्प्ले है वो डेफिनेटली काफी इमर्सिव लगता है बिकॉज़ यहां पे कोई कटआउट नहीं है, और आपको दोस्तों मिलता है ऐसे में काफी अच्छा वाला फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। तो यहां पे दोस्तों पहले मैं फिंगरप्रिंट को सेट करता हूं जो आपको मिलता है यहां पे फोन में पीछे की तरफ, ट्रेडिशनल टाइप वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों ये आता है यहां पे अपने कलर ओएस 6 के साथ में ओप्पो का F11 Pro। जो डिस्प्ले है वो वाकई यार दिखने में तो खैर बहुत ज्यादा जो है वो इमर्सिव मिल रहा है, और काफी आपको
अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों करते हैं कंज्यूम मीडिया को। और यहां पे इनफैक्ट दोस्तों आपसे बात करता हूं मीडिया के, तो आप क्लिक करने वाले हैं फोटोज, जहां पे दोस्तों को मिलता है पीछे की तरफ ये ड्यूअल कैमरा सेटअप जो कि आता है 48 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में, और यहां पे सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, इसके साथ में दोस्तों एलईडी फ्लैश, नीचे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहां पे है दोस्तों ओप्पो की ब्रांडिंग लिखा है यहां पे डिजाइंड बाय ओप्पो। और ये इनफैक्ट जो बैक पैनल है उसका कलर खैर मुझे काफी अच्छा लगा, जहां पे ब्लू का शेड भी है, जहां पे ब्लैक भी है, और जहां पे दोस्तों ये पर्पल फिनिश भी है। और यहां पे दोस्तों हम बात करते हैं फोन के बारे में कुछ और डिटेल्स की, और जाते हैं यहां पे सेटिंग्स में, और यहां पे दोस्तों हम बात करते हैं फोन में जाके अबाउट फोन की क्या मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो यहां पे दोस्तों ये है एंड्रॉइड पाई बेस्ड कलर ओएस 6 पे चलने वाला फोन, जहां पे दोस्तों प्रोसेसर है वो आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का हीलियो P70, और इनफैक्ट दोस्तों यहां पे 6GB की रैम है, 64 में स्टोरेज अवेलेबल है वो है 47.7GB की, और सिक्योरिटी अपडेट है फिलहाल के लिए फरवरी के महीने का। और यहां पे दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एक मेन हाइलाइट की जो कि होने वाला है इसका कैमरा, तो यहां पे दोस्तों हम जाते हैं कैमरा में, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है इंटरफेस जहां पे अगर आप क्लिक करेंगे यहां पे फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए, तो यहां पे दोस्तों कैमरा बाहर आ जाएगा, और मुझे काफी अच्छी लग रही है फोटो जो कि है एक 16 मेगापिक्सल की। अभी ऑल्दो दोस्तों यहां मेरी दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन हां आपको बाकी डिटेल्स जो है वो डेफिनेटली इस फोटो में देखने को मिल रही हैं। तो ये है दोस्तों कुछ इसका कैमरा ऐसा 16 मेगापिक्सल का, और जैसे ही आप जो है वो यहाँ पे दोस्तों जाने के बाद में करते हैं स्विच रियर कैमरा में, तो ये अपने आप जो है वो अंदर चला जाता है। तो ये तो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगती है, जहाँ पे आपको इसके साइड में दोस्तों ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी मिल रहा है जो कि दिखने में थोड़ा सा और कूल बनाता है। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं, वीडियो है, पोर्ट्रेट है या फोटो वगैरह है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे मिलता है साइड में एक नाइटस्केप का ऑप्शन, और ये दोस्तों जो नाइटस्केप है ये अगर आप यूज़ करते हैं रात में तो आप काफ़ी अच्छी फोटोज़ ले पाएंगे। मैंने उसके ऊपर हालांकि पहले चेक भी किया था, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। और बाकी दोस्तों अगेन आपको यहाँ पे फुल फ्लेज्ड प्रो मोड या एक्सपर्ट मोड जो है वो सब तो खैर मिल ही जाता है। तो यहां पे दोस्तों मैं फिलहाल आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं फोटोज जो मैंने क्लिक किए हैं इसी के फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा से, जो कि मुझे इनफैक्ट काफी अच्छा लगा। लेकिन एक बार दोस्तों जल्दी से ये भी चेक करते हैं कि यहां पे आपको कैमरा में क्या ऑप्शन मिलता है, अगर जाते हैं यहां पे सेटिंग्स में तो फोटो रेशियो, तो यहां पर दोस्तों आपको मिलता है यहां पे 48 मेगापिक्सल वाला ऑप्शन, लेकिन यहां पे आपको जूम का या बाकी जो चीजें हैं एआई सी रिकॉग्निशन वगैरह का उसको ऑप्शन नहीं मिलता है, बिकॉज दोस्तों डेफिनेटली ये फोटो को एक्सपैंड करेगा जो कि होगी स्टैंडर्ड 12 मेगापिक्सल की। तो यहां पे दोस्तों अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्ड तो जो आउटपुट है वो है 12 मेगापिक्सल का, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 48 वाला आउटपुट भी ले सकते हैं। और यहां पर दोस्तों ये है हमारे पास में फोन ओप्पो का F11 Pro। मैं दोस्तों एक बार फेस अनलॉक जो है उसको भी ट्राई कर लेता हूं, यहां पे एक बार फेस को रोल करता हूं, ये एनिमेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और यहां पर दोस्तों हो गया है जो है फेस अनलॉक, और यहां पे अगर हम देखते हैं तो फिलहाल जैसे दोस्तों मैंने देखा बस कैमरा ऊपर आता है और ये बहुत तेजी से दोस्तों हो जाते हैं अनलॉक, तो ये एक काफी अच्छा लगता है देखने में जो इसका एनिमेशन है कि बस बटन दबाया कैमरा निकला और दोस्तों ये हो गया अनलॉक। अगर मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा हूं और जैसे दोस्तों देखा तो हो गया अनलॉक। और यहां पे अगर आप बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो वो तो मैं खैर ट्राई कर चुका हूं दोस्तों, ये है काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव। दोस्तों ये यहां पे हमारे पास में ओप्पो का F11 Pro, और ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो वो आपको इसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी, बिकॉज ये आता है मीडियाटेक के हेलियो P70 के साथ में, जो कि है ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 660 जितना ही पावरफुल। और यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी कीमत की तो वो रखी है ओप्पो ने 24,990 रुपए। अभी ऐसे में दोस्तों अगर यहां पर टाइप सी होता ना तो मतलब एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बन जाता, इसकी एक कमी खलेगी। अदरवाइज दोस्तों यहां पे जो वूक 3 फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है वो एक अच्छी बात है, 4000 mAh की बैटरी है वो भी एक अच्छी बात है, डिजाइन मुझे इसका काफी अच्छा लग रहा है, और कैमरा भी दोस्तों जो आपने देखे हैं सैंपल्स मेरे ख्याल से काफी अच्छा है इसका फ्रंट और रियर दोनों ही मामलों में। बाकी जो डिस्प्ले है वो खैर काफी इमर्सिव मिलता है, लेकिन अगेन ये जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ये अगर आपको मिल जाता टाइप सी दोस्तों आता मजा। बाकी अगर आप दोस्तों मुझे बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा 24,990 रुपए की प्राइस में, और आपके हिसाब से कैसा है आपका फीडबैक इसी ओप्पो के F11 Pro का। मुझे तो खैर देख के अच्छा लगता है कि मतलब अगर दोस्तों बात करते हैं और बजट रेंज में, जैसे कि चाहे ओप्पो का K1 था जहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था या फिर दोस्तों इसके अंदर है पॉपअप सेल्फी कैमरा, तो मतलब आगे चल के यही 15,000-25,000 रुपए के जो फोन होंगे वो हमको काफी सारी नई नई जो इनोवेशन है वो लाके दे पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा, लेकिन साथ में अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और नीचे खैर दोस्तों आप कीजिए कमेंट कि आपका क्या है कहना इसी ओप्पो F11 Pro के बारे में। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।